हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं थोर के 11th पार्ट में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ब्लेक पहुंच चुका था धरती पर और वो मिलता है जेन फोस्टर से। वो कहता है, कई सालों बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बॉडी में आग लगी हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हो गया है। मैं कितने सालों से जाग रहा हूं और जेन, मैं तुमसे कितने सालों बाद मिल रहा हूं। तो अपने बारे में बताओ कुछ नया। तो यहां पर जेन और डोनाल्ड एक होटल में आए हैं और वो खाना खा रहे हैं। कहती है, डोनाल्ड तुम मुझे पहले से कुछ अलग लग रहे हो, या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है जिसने तुम्हें चेंज कर दिया है? मेरा मतलब, मैं तुम्हें देखकर हैप्पी हूँ, बट लास्ट टाइम जब मैं तुम्हें देखा था, या मैं कहूँ उसे देखा था, तो वो किंग बनने वाला था। तो डोनाल्ड कहता है, हाँ वो किंग बन गया, पर उसे वो ताज रास नहीं आया, इसीलिए तो शायद मैं यहाँ पर हूँ। और इतने टाइम बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे लग रहा है जैसे मैं एक पागल की तरह बिहेव कर रहा हूँ। तो जेन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, हमें बात करे काफी टाइम हो गया, मैं तो बस ये कह रही थी। तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, तुम मुझे हैप्पी नहीं लग रहे। तो डोनाल्ड कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं मानता हूँ अभी और पहले की ट्रांजिशन जो मेरे और थोर के बीच में हुई है वो काफी अलग है। पहले मेरे और थोर के विचार मिलते थे, हमारी सोच मिलती थी, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, पर इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मेमोरी में होल है, लाइक मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ और एक नए पजल को सॉल्व कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। और थोर की वॉइस और उसके विचार, वो मुझे लगता है मेरे से काफी दूर है। मुझे लगता है वो ऐसी जगह गया है जहाँ शायद मैं भी नहीं जा सकूंगा। यहाँ हम पहुंच चुके हैं थोर के पास। वो वहां से निकलना चाहता है पर कोई उसको सुन नहीं पा रहा। वो कहता है, मेरे को सुनो, मेरी थंडर को सुनो प्लीज, फादर सिफ यूजिन म्यूनिन, कोई मुझे सुन सकता है? हम देखते हैं उसने वहां पे बहुत ही बड़ा खड्डा कर दिया है और वो उसमें बैठा हुआ है और कहता है, प्लीज मुझे घर जाना है। तभी उसको आवाज आती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मसार है, और ये होती है रेट ओस्कल। और कहता है, ये क्या, मैंने तो सोचा वॉर ऑफ रेल्म्स के बाद तुम धरती पर ही थी। वो कहती है, तुम्हें पता है ना मैं कैओस गॉड हूँ और मैं तुम्हारा शासन कैसे मिस कर सकती थी। बड़े सालों बाद मुझे ये सब देखने में मजा आया। और कहता है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, तुम्हें मेरे लोगों तक मेरा संदेश पहुंचाना होगा, उन्हें बताओ मेरे साथ क्या हुआ है, उन्हें ब्लेक के बारे में बताओ। तो वो कहती है, थोर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें नहीं पता, एस्गार्ड तो खाली हो चुका है, वहाँ कोई भी गॉड नहीं बचा। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं डायमेंशन ब्लड में। यहाँ सिर्फ वोस्टेक से कहती है, ये पागलपन है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तो वोस्टेक कहता है, हम यहाँ पर गेस्ट हैं, उन्होंने हमें इतना अच्छा मेहमान नवाजी करी है, हम उनको छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हैं, हमें यहाँ पर खा पी कर जाना चाहिए, हमें उनकी इज्जत रखनी चाहिए। और वो खाते हुए कहता है, और लेग पीस है तो ले आओ। तो वहाँ के लोग कहते हैं, हाँ थोर के दोस्त हमारे दोस्त हुए, जब सिविल बोन की वार चल रही थी तब डॉक्टर स्ट्रेन ने हमें खरगोश बना दिया था, वो हमारे लिए लड़ा, उसने यहाँ पर काफी फाइट करी, मेरे पिता को बचाया और मेरे अंकल को मारा, और थोर ने यहाँ पर काफी टाइम तक हमारे साथ शराब पी। लेडी सिफ वहां से चली जाती है और कहती है, ये पागलपन है। यहाँ लेडी सिफ जाती है बिल के पास, उसका इलाज चल रहा होता है। वो कहती है, बिल तुम ठीक हो, तुम जाग रहे हो? बिल कहता है, ऐसे मत कहो और यहाँ से चले जाओ। तो सिर्फ कहती है, क्यों क्या हुआ? तो वो कहता है, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, मैं ये डिजर्व नहीं करता। तो सिर्फ कहती है, नहीं ऐसा नहीं है बिल। तो बिल कहता है, मुझे और ताकतवर होना चाहिए था ताकि मैं तुम्हें बचा सकता। तो सिर्फ कहती है, ऐसा नहीं है, ये तो कोई भी नहीं देख सकता था, यहाँ तक कि मैंने भी नहीं देखा, और ये मेरी ड्यूटी थी, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है। और वो कहती है, बिल तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। बिल कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। वो सिर्फ कहती है, कोई बात नहीं। वो वहां पर जो उसका इलाज कर रहे होते उनको वहां से भगाता है और कहता है, मुझे घर जाने का वे पता है। तो सिर्फ कहती है, कैसे? तो वो कहता है, लॉकजॉ वहीं पे था जब उसने हमें यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया, और हम दोनों वार बाउंड्स हैं, जहां मैं जाऊंगा वो भी मेरे साथ वहां पर आ जाएगा, हमें बस उसे ढूंढना होगा और वो हमें टेलीपोर्ट कर सकता है। अभी उनका कुत्ता थोरी कहता है, वो तो चला गया। तो बिल कहता है, कहां? वो बताता है कि उसने कहा कि उसका दोस्त मुसीबत है, उसे मृत्यु की खुशबू आ रही है, उसका पुराना दोस्त भी उसका वार बाउंड था और वो यहाँ से चला गया, और उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं पर मैं भूल गया। यहाँ वापस ब्लेक और जेन के पास पहुंच चुके हैं। वो कहता है, जेन तुम एक मॉग में असिस्टेंट हो, मेरा मतलब तुम तो एक ब्रिलियंट सर्जन थी ना? वो कहती है, हाँ मुझे पता है ये एक आइडियल जॉब नहीं है, पर मेरे साथ जो भी हुआ मुझे ये अच्छी लगती है, इससे मुझे लगता है कि मैं अपने काम को काफी अच्छे से निभा रही हूँ। मैं लास्ट पर्सन होती हूँ जो उन मरे हुए लोगों को उनके घर तक पहुँचाती हूँ। आई नो ये सुनने में अजीब लग रहा होगा पर ऐसा ही है। तो ब्लेक कहता है, इसका मतलब मैंने काफी कुछ मिस कर दिया है, इसलिए तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मुझे एक फ्रेंडली फेस चाहिए था। तो जेन कहती है, तो कितना टाइम हो गया तुम्हें वापस आए? तो वो कहता है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं तो बस अभी तुमसे मिलने से पहले ही आया हूँ, मैं बस यहाँ पर आया और कुछ पुराने दोस्तों से मिला, और इससे मुझे याद आया, तुम्हें पता है
ओडिन आजकल कहाँ पर है? मैंने सभी से पूछा पर मुझे किसी ने नहीं बताया। तो जेन कहती है, मुझे नहीं पता, एक्चुअली हमारे बीच में बनती नहीं थी जब से मैं थोर बनी थी, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ पर होगा। ब्लेक कहता है, क्या तुम क्या थी? तो वो कहती है, ब्लेक तुमने काफी कुछ मिस कर दिया, क्या तुम्हें ये याद नहीं है? मैं कुछ टाइम के लिए थोर बनी थी जब वो खुद अनवर्थी था। मेरे पास हैमर था, शक्तियां थी, मैं मैनगोग से लड़ी, मैंने एसगार्ड को बचाया भी और कैंसर को भी हराया। तुम्हें इनमें से कुछ भी याद नहीं है? तो तभी ब्लेक भड़क उठता है, वो कहता है नहीं। वो चाकू उठाता है और उसके हाथ में दे मारता है। वो उसकी शक्तियां निकालना शुरू कर देता है और कहता है, अभी कोई भी नहीं बचेगा, कोई थोर नहीं बचेगा। पर वो ये सब सोच रहा होता है, ये रियल में नहीं हुआ। जेन कहती है, डोनाल्ड क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो अपना बैग उठाता है और कहता है, मुझे जाना होगा। जेन कहती है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली कुछ और दोस्तों से मिलना है जो मेरी लिस्ट में है। तो जेन कहती है, डोनाल्ड मुझे कुछ बताना अगर मैं तुम्हारे लिए कर सकूं। तो वो कहता है, नहीं। और वो कहता है, जेन तुमने मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया, तुम मुझसे प्यार करती थी ना कि उस थॉर से, और तुम उस मुर्दा घर में बिलोंग नहीं करती। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जेन अपनी जॉब पर वापस जाती है। उसका कलीग रूडी कहता है, मुझे उम्मीद है तुमने ज्यादा खाना नहीं खाया होगा। तो वो कहती है, सॉरी मैं लेट हो गई। तो वो कहता है, जेन मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सांसें थाम लो। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ बुरी चीजें देखी हैं, पर ये उनमें से भी बुरी है, पर मुझे माफ करना, ये तुम में से एक ही था। जेन कहती है, क्या? वो उसे एक लाश दिखाता है और कहता है, ये अभी सुबह मॉर्निंग में आई है। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि किसी जानवर ने इस पर हमला किया है। इसके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं बचा था, बस दांत बचे थे, वो भी बाहर निकले हुए। तो मैंने इसकी जांच करी तो मुझे पता चला इसका नेम है रोजर, रोजर रेड नॉर्वेल। जेन कहती है, हे मेरे भगवान। वो कहता है, ये तुम में से एक ही था ना, ये भी थोर था ना अपने पुराने टाइम में। तभी हम देखते हैं जेन बाथरूम की ओर भागती है। वो वहां पर उल्टियां करती है और कहती है, ऐसे नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, डोनाल्ड ऐसा नहीं कर सकता। अभी हम एक जंगल में पहुंचते हैं जहां पर लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही हैं और हम देख रहे हैं ये ब्लेक पर हो रही हैं। वो कहता है, तुम बाहर निकलो, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डरता हूँ, तुम मेरे सामने आओ। तभी उस पर दोबारा से लाइटनिंग होती है। तो उसे कोई जवाब देता है, मैं छुप नहीं रहा, मैं तुम्हारा शिकार कर रहा था, अभी उठो और यहां से भागो। और ये होता है थ्रोग और उसका साथी लोकजा। तो गाइस इसके आगे क्या होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।